हेलो दोस्तों, मोटा भाई ने लेके आया गया दोस्तों यूपीआई ऐप, जो जियो का जियो फाइनेंशियल ऐप। इससे आप दोस्तों पेटीएम बंद होने के बाद यहाँ पे जियो अपना ऐप उतार चुका है दोस्तों। यहाँ पे प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा दोस्तों जियो यूपीआई ऐप ऑल इन वन। इसमें आपको यहाँ पे जैसे कि पेटीएम होता है उसी तरह से आपको यहाँ पे बैंक भी मिल जाता है। इसमें लोन भी ले सकते हैं, रिचार्ज और यूपीआई से गूगल पे फोन पे होता है उसी तरह से आपको यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। इससे पहले यहाँ पे जियो अपने माई जियो एप्लीकेशन में हो रहा था इसका यूपीआई कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे अलग से इसका एप्लीकेशन आ चुका है दोस्तों जियो का, जिसका नाम हो जाता है जियो फाइनेंस ऐप ऑल इन वन। इसमें आपको लोन भी ले सकते हैं, बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, इससे बिल रिचार्ज इंश्योरेंस लोन सभी आप इसे कर सकते हैं दोस्तों। आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे मेरे टेलीग्राम पर इसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। आपको अभी प्ले स्टोर पर आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे प्ले स्टोर से आपको नहीं डाउनलोड होगा, इसलिए आपको टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको वहाँ पे ओपन करना होगा दोस्तों। ओपन करने के सबसे पहले आपको वहाँ पे मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे डाल के आपको ओटीपी फिल कर देना होगा। उसके बाद आपको वहाँ पे अलाउ मांगे परमिशन आपको आपको वहाँ पे अलाउ कर देना होगा। उसके बाद आपको सबमिट कर देने के बाद सिंपली आपको वहाँ पे लॉग इन हो जाने के बाद सिंपली आपको ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों। आपको वहाँ पे मिल जाता है दोस्तों स्कैन यूपीआई क्यूआर कोड, यहाँ पे यूपीआई आईडी आपको मिल जाता है, यहाँ पे बिल मिल जाता है, मोबाइल रिचार्ज, माई मनी, आपको बैंक अकाउंट, गेट इंश्योरेंस, शेयर फीडबैक, यहाँ पे यूपीआई अकाउंट आप देख सकते हैं, यूपीआई आईडी यहाँ से बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको मिल जाता है, यहाँ से स्कैन क्यूआर कोड, यूपीआई आईडी यहाँ पे मिल जाता है, चेक बैलेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है इस तरीके से आपको दोस्तों। आपको नीचे में आपको मिल जाता है यहाँ पे होम, आपको मिल जाता है यहाँ पे होम मिल जाता है, उसका बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे बैंक सेक्शन मिल जाता है, इसका बिल यहाँ पे सेक्शन मिल जाता है, इंश्योरेंस आपको पे बैंक क्लिक कर देते हैं, आपको ऐसा इंटरफेस आता है दोस्तों। मेरे में यहाँ फिंगरप्रिंट खोज रहा था, आपको डाल देते हैं जैसे कि जो भी बनाए हैं तो यहाँ पे उसका डालना होता है, चलिए डाल देते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं, डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने वॉलेट यहाँ क्रिएट कर चुका है, इसलिए आपको यहाँ पे दिखा रहा था। अभी वॉलेट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो प्रोसेस बता देंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको, जिसका बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिल जाता है दोस्तों 3.5% का आपको यहाँ पे मिल जाता है इसका अकाउंट में इंटरेस्ट आपको यहाँ पे। और वह बिल रिचार्ज में क्लिक करने के बाद सिंपली आपको ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों, यहाँ पे जियो आप फाइबर का बिल रिचार्ज कर सकते हैं, लैंडलाइन का, डीटीएच का, केबल टीवी का, ब्रॉडबैंड का, फास्टैग का, हिस्ट्री आप यहाँ देख सकते हैं, माई बिल देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, पाइप्ड गैस, वाटर, बुक, एलपीजी, पे रेंट, क्रेडिट, आपको रिकरिंग डिपॉजिट यहाँ से सब देख सकते हैं दोस्तों। आप इसी से आप वहाँ पे इंश्योरेंस भी यहाँ ले सकते हैं दोस्तों, वो इंश्योरेंस भी आपको मिल जाता है यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों वहाँ पे। लोन में आपको क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको कमिंग सून आपको लिख रहा है, तो आपको होम पे चलिए कर देते हैं। होम पे क्लिक करने सबसे पहले आपको यहाँ पे यूपीआई ऐप को चलाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा दोस्तों किसी के पास आपको यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे यूपीआई आईडी तो आपको इसी पे क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करने के बाद सिंपली आपको बैंक अकाउंट आपको ऐड करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है सबसे ऊपर में आपको प्रोफाइल वाला आइकन, इसी पे क्लिक करना होगा। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको बैंक पे क्लिक करना होगा, बैंक पे क्लिक करने के बाद सिंपली ऐड यहाँ पे कर देना होगा दोस्तों। यहाँ पे जो भी बैंक है आपका तो ऐड यहाँ पे मिल जाता है, चलिए ऐड करते हैं। सर्च बैंक करके आपको ऐड करना होगा, यहाँ पे ओटीपी आएगा देना होगा, आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा, यहाँ से स्टिकर्स कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं जियो अपना लेके आ गया है दोस्तों जियो फाइनेंशियल ऐप यूपीआई, जो कि आप इसपे आप पेमेंट कर सकते हैं, कहीं भी बिजनेस आ किसी के पास भी आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। इससे आप यहाँ पे पैसे को आपको अमाउंट को शेयर कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे वॉलेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको वहाँ पे बैंक पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे चलिए आपको बता देते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको वहाँ पे यहाँ पे आपको वॉलेट वाले सेक्शन मिल जाएगा, वॉलेट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको अपना फीस डिटेल्स कर देना होगा, जब भी आप वहाँ पे करना होगा दोस्तों अभी इसमें आपको यहाँ पे जैसे कि बैंक अकाउंट में अभी प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, अभी ओपन नहीं हो रहा दोस्तों। वहाँ पे सब प्रोसेस हो जाता है, लेकिन आपको लास्ट प्रोसेस इसमें आपको जो फोटो सेल्फी लेते हैं वहाँ पे नहीं हो रहा दोस्तों। अभी रिटाइप मत कीजिएगा, इस पर बहुत सारा अभी लोड चल रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी न्यू ऐप लॉन्च हुआ है दोस्तों, इसलिए आपके यहाँ पे अपग्रेड भी अभी नहीं हो रहा दोस्तों। जो कि आपको वहाँ पे वॉलेट बन जाता है, लेकिन आपको सिर्फ आपको पैन कार्ड, आपको मोबाइल नंबर आपको डाल के सबमिट कर देते हैं, तो आपको वहाँ पे वॉलेट बन जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको इंटरफेस मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ से आप यहाँ से बना सकते हैं दोस्तों। कोई भी आपको वहाँ पे दिक्कत होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसी तरह का वीडियो मिल जाता है दोस्तों इसका आपको वहाँ पे, और ऑफर भी मिलता रहता है अर्निंग रिलेटेड दोस्तों। वहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो, अगर आप मोबाइल से घर बैठे आप पैसा कमाना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।